स्त्री कोरोना योद्धा, थाना प्रभारी ने दी मानवता का परिचय। एक और प्रदेश में कई जगहों से पुलिस द्वारा लोगों पर लाठी बरसाते तस्वीर आपको देखने को मिली होगी। हाल में ही उरला थाना प्रभारी ने राहगीरों और मां के सामने बेटे को डंडे से मारने वाली तस्वीर आपने देखी होगी। तो वहीं दूसरी ओर मानवता का परिचय देते हुए बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना प्रभारी ने 14 श्रमिकों की मदद की, उन्हें अपने खर्चे से उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। दरअसल ये बसंतपुर थाना प्रभारी राजकुमार लहरी को 14 श्रमिक पिकअप में आते हुए दिखाई दिए। श्रमिक जब कानपुर से जांजगीर के लिए डबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटमी के लिए आ रहे थे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, अब 14 श्रमिकों को हकीकत में देखा तो वहां पर उन्हें पूछा गया तो श्रमिकों ने बताया कि वे 30,000 किराया देकर अपने गृह गांव जा रहे हैं। इसके बाद थाना प्रभारी का दिल पसीज गया और पिकअप वालों को 13,000 वापस किए और वहाँ से श्रमिकों को खाना खिलवाकर साधन व्यवस्था करके बिलासपुर भेजा गया। एवं 5 श्रमिक लखनऊ से आ रहे थे जिन्हें बभनी थाना क्षेत्र जिला सोनभद्र में उतार दिया गया था, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर थे। वहां से पैदल आ रहे थे जो सोनभद्र जिला जाकर अपने वहां से बॉर्डर तक लाया और खाना खिलाया और इन सभी 19 लोगों को फिर वाहन व्यवस्था कराकर बिलासपुर भेजा गया। वैसे तो थाना प्रभारी राजकुमार लहरे अपने अच्छी कार्य प्रणाली के नाम से हमेशा से जाने जाते हैं। जब इनकी पोस्टिंग जांजगीर चांपा जिले में थी वहां पर भी इनके अच्छे कार्य प्रणाली की हमेशा प्रशंसा हुई और ऐसे कोरोना योद्धा को भी सलाम करता है।